Welcome dear students, myself Rishma Kapoor. हम इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स इस टॉपिक को पढ़ रहे थे इस टॉपिक में हमने प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स में बी सेल्स की डेफिशियंसी एंड टी सेल्स की डेफिशियंसी के कारण होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज को डिस्कस किया है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आज की क्लास में हम कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स जिसमें बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों टाइप्स की सेल्स की डेफिशियंसी हो जाती है इससे होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे इसके साथ ही फैगोसाइटोसिस की डेफिशियसी एंड कॉम्प्लीमेंट की डेफिशियसी से होने वाली डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे हम जो भी डिजीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं कि इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होने का जो मेन क्लॉज होता है फिफ्टी परसेंट चांसेज होते हैं बी सेल्स की डिफिशियंसी के कारण टी सेल्स की डिफिशियंसी के कारण टेन परसेंट एंड कंबाइंड डिफिशियंसी में ट्वेंटी परसेंट चांसेज होते हैं एंड फेग्रोसाइटोसिस की डेफिशियसी के चांसेस एटीन परसेंट हैं एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली डिजीज के चांसेस टू परसेंट होते हैं तो मेन जो कॉज होता है उसमें बी सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज इन शॉर्ट जिसको हम सी आई भी कहते हैं इसमें बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों टाइप्स की सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है रिजल्टेंट हमारी सी एंड ए दोनों अफेक्टेड होती हैं सिट्स होने का इंपॉर्टेंट कॉज होता है कोई जेनेटिक एबनॉर्मिलिटीज का होना जीन में कोई म्यूटेशन होना या डिफेक्ट होना सिट्स के कारण कई तरह के कॉम्प्लीकेशनस हो जाते हैं फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ सिट्स के अंदर पूछी जाती है वो है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज़ जिसको हम स्कीट भी कहते हैं इसमें बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों टाइप्स की सेल्स की डिफिशेंसी हो जाती है स्किड होने के कई सारे कॉजेज होते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉज है फर्स्ट है डिफेक्टिव वीडीजे रिकॉम्बिनेशन और डिफेक्टिव वीडीजे रीअरेंजमेंट बी सेल्स एंड टी सेल्स के डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि से लिम्फोइड प्रोजेनाइटर जिससे प्री प्रोबी सेल एंड प्री टी सेल डिफ्रेंशिएट होती हैं। इनका वी डी जे रिकॉम्बिनेशन होता है रिकॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट बी सेल के ऊपर एक रिसेप्टार बनता है जिसे हम बी सेल रिसेप्टार कहते हैं एंड टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टार बनता है जिसे हम टी सेल रिसेप्टार कहते हैं ये जो रिसेप्टार होता है ये पैथोजन के साथ में एंटीजन के साथ में फर्स्ट इंटरेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इस रिकॉम्बिनेशन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट है आर ए जी वन एंड आर ए जी टू जीन्स इन जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए कोई डिफेक्ट हो जाए या फिर ऐसे प्रोटीन्स जो कि रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन प्रोटीन्स को एनकोड करने वाले जीन्स में कोई डिफेक्ट हो जाए तो वी डी जी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता रिजल्टेंट बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टार नहीं बनते इसका मतलब है कि जो बी सेल्स बन रही हैं वो अब डिफेक्टिव हैं जब इनके ऊपर बी सा बी सी आर एंड टी सी आर नहीं बनेंगे इट्स इट मीन्स फर्स्ट इंट्रैक्शन नहीं होगा डिफेक्टिव बी सेल्स बनती जो आगे जाके मेच्योर नहीं होती तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसके कारण बी सेल्स एंड टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज है एडीए डेफिशियंसी एडिनोसिन डी एमिनेस की डेफिशेंसी एडिनोसिन डीएमिनेस को कोट करने वाला जो जीन होता है ये जीन हाउस कीपिंग जीन है हाउस कीपिंग जीन मीन्स ये सभी टाइप्स की सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये जीन सेल्स में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को एक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट करता है लेकिन इस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए रिजल्टेंट सेल्स में एडीए की डेफिशिएंसी हो जाती है एडीए की डेफिशिएंसी होने के कारण बी सेल्स एंड टी सेल्स में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन बढ़ता है रिजल्टेंट बी सेल्स एंड टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी एक्टिव एंड फंक्शनल बी सेल्स एंड टी सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होंगी तो एडीए की डेफिशिएंसी भी स्किड होने का एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है एडीए डेफिशिएंसी एक ऐसी डिजीज़ है जिसका फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया था एक फोर इयर्स बेबी अशांति डिसिल्वा में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्लोज होता है जिसके कारण स्टेट हो जाता है वो है पी एन पी की डेफिशिएंसी। प्यूरिन न्यूक्लोटाइड फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी। ये जो एंजाइम्स होता है पी एन पी ये प्योरस के डिग्रेडेशन से रिलेटेड है प्योरस को डिग्रेड करता है हाइपोजेंथीन में एंड फाइनली यूरिक एसिड में लेकिन इस एंजाइम को एनकोड करने वाले जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए कोई डिफेक्ट हो जाए रिजल्टेंट पीएनपी की डेफिशिएंसी हो जाती है इसके कारण भी बी सेल्स में एंड टी सेल्स में टॉक्सिक मेटाबोलाइट का एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट के एक्यूमुलेशन से क्या होगा कि बी सेल्स एंड टी सेल्स मेच्योर नहीं होंगी और ये डाई हो जाएंगी स्टिड होने का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोर्स एक्स क्रोमोजोम से एसोसिएटेड है इसलिए इसको हम एक्सलिंगड स्किड भी कहते हैं इसमें जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम पर एसोसिएटेड होते हैं इसलिए ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है यहाँ पर साइटोकाइन सिग्नलिंग की डेफिशिएंसी हो जाती है एक्सलिंगड स्किड में साइटोकन सिग्नलिंग की डेफिशिएंसी के कारण बी सेल्स एंड टी सेल्स की डेफिशिएंसी होती है इस टाइप में ऐसे जीन्स में डिफेक्ट होता है जो कि इंटरल्यूकिन टू रिसेप्टर की कॉमन गामा चेन को एनकोड करते हैं इन जीन्स में कोई डिफेक्ट हो जाए कोई म्यूटेशन हो जाए रिजल्टेंट इन रिसेप्टर से साइटोक्राइन सिग्नलिंग की डेफिशिएंसी हो जाती है ये जो डिफेक्टिव जीन्स है ये जीन्स ना सिर्फ इंटरलुकिन टू रिसेप्टर इसके साथ में इंटरलुकिन फोर सेवन नाइन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन रिसेप्टार से मिलने वाले साइटोकलाइन सिग्नलिंग को भी अफेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये जो इंटरलुकिनस होते हैं ये भी अपने स्ट्रक्चर में कॉमन गामा चेन को रखते हैं रिजल्टेंट बी सेल्स की टी सेल्स की एंड नेचुरल किलर सेल्स की डेफिशेंसी हो जाती है कंबाइंड इम्यूनो इम्यनोडेफिशियंसी डिसऑर्डर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विस्कोट एल्ट्रिक सिंड्रोम इसको भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ये भी इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंसी डिसऑर्डर है इसका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर होता है यहाँ पर सी डी फोर्टी थ्री और वास्प प्रोटीन को एनकोड करने वाले जीन में डिफेक्ट हो जाता है ये जो वास्प प्रोटीन होता है ये हिमेटोपोइटिक लीनिएज से बनने वाली सेल्स में एक्टिन फिलामेंट्स की असेंबली एंड रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वास्प प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेटलेट्स न्यूट्रोफिल्स एंड टी सेल्स के डिफ्रेंशिएशन एंड एक्टिवेशन में अगर इस प्रोटीन की कमी हो जाए मीन्स इस प्रोटीन को एनक्लोड करने वाले जीन्स में कुछ डिफेक्ट हो जाए म्यूटेशन हो जाए तो वास्प प्रोटीन या सी भी जिसे कहते हैं उसकी डिफिशियंसी हो जाती है रिजल्टेंट टी सेल्स का एक्टिवेशन नहीं होगा बी सेल्स का एक्टिवेशन नहीं होगा और हमारी एंड दोनों अफेक्टेड होगी इसका ट्रीटमेंट बीएमटी मीन बोन मेरो ट्रांसप्लांट के द्वारा एंड ट्रांसफर फैक्टर थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है कंबाइंड डिसऑर्डर में नेक्स्ट इंपोर्टेंट है एटेक्सिया टीलिया ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसका जीन क्रोमोसोम 11 पर प्रेजेंट होता है इस जीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए की रिपेयरिंग में डैमेज डीएनए की रिपेयरिंग में साथ ही सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन जीन्स में कुछ डिफेक्ट हो जाए म्यूटेशंस हो जाए तो हमारी टी एंड बी दोनों टाइप्स की सेल्स अफेक्टेड होती है रिजल्टेड एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी ई एंड स्पेशली आप ध्यान रखिएगा एंटीबॉडी जी टू की डेफिशिएंसी हो जाती है साथ ही हमारी सी एम आई डिफेक्टिव हो जाती है ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो ट्रांसफ़र फैक्टर थेरेपी एंड फेटल थाइमस ट्रांसप्लांट्स के द्वारा इस डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक प्राइमरी इम्यूनो डेफिशेंसी डिसऑर्डर्स अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो स्पेसिफिक प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हैं नॉन स्पेसिफिक में फेगोसाइटिक सेल डिफेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी आती हैं फेगोसाइटिक सेल डिफेक्ट्स में फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स की डिफिशियंसी हो जाती है या कोई डिफेक्ट हो जाता है जिसके कारण फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाता फेगोसाइटिक सेल्स में इंपॉर्टेंट होती है मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स एंड ईओसिनोफिल्स जो कि पैथोजन को फेगोसाइटोसिस के द्वारा किल करती हैं लेकिन अगर इन सेल्स के फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में कोई डिफेक्ट हो जाए जिसके कारण पैथोजन का कंप्लीट फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाता मीन्स हमारी इन्नेट इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है इसके कारण भी कई तरह के कॉम्प्लीकेशंस हो जाते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डिजीज हैं ल्यूकोसाइट अडेजन डेफिशेंसी क्रॉनिक ग्रैन्युलटर्स डिजीज एंड चेडिया किगाशी सिंड्रोम चेडिया किगाशी सिंड्रोम ये डिजीज लीस्ट जीन में म्यूटेशन के कारण होती है ये जो जीन होता है लीस्ट जीन ये फेगोसोम के लाइसोसोम के साथ में फ्यूज होने के लिए ज़रूरी होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में आने वाला कोई पैथोजन जिसके कॉन्टेक्ट में फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स आती हैं ये पैथोजन को एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपने अंदर ले लेती हैं रिजल्टेंट फेगोसोम बनता है फेगोसोम आगे मैच्योर होता है एंड लाइसोसोम से ये फ्यूज होता है लाइसोसोम के साथ में फ्यूज़ होने के बाद लाइसोसोम्स के एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस फेगोसोम को किल कर देते हैं मीन्स फेगोसोम का लिसिस कर देते हैं रिजल्टेंट पैथोजन किल हो जाता है फैगोसोम को लाइसोसोम से फ्यूज होने के लिए लीस्ट जीन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है लेकिन अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो फैगोसोम लाइसोसोम के साथ में फ्यूज नहीं हो पाता मीन्स जो पैथोजन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में था वो अब अंदर आ जाता है लेकिन अंदर आकर कंप्लीटली फेग्रोसाइटोसिस के द्वारा पैथोजन का किल नहीं हो पाता है तो पैथोजन सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में आ जाता है जो कि और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट डेफिशेंसीज ये भी नॉन स्पेसिफिक टाइप की नॉन स्पेसिफिक प्राइमरी इम्यूनो डेफिशियंसी डिसऑर्डर्स में आती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे इन्नीट इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट के अगर हम फंक्शन देखें तो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लामेशन सेकेंड है ऑप्शनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस एंड सेल्स फॉर क्लियरेंस एंड थर्ड है डायरेक्ट किलिंग ऑफ टारगेट सेल्स बाय लिसिस। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट हमारे इनट इम्यूनिटी के साथ में हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करते हैं लेकिन इन कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेशन में कोई फेलियर हो जाए जैसे C4 में डिफेक्ट हो जाना या फिर इनके पाथवे के एक्टिवेशन में कोई फेलियर हो जाए कोई डिफेक्ट हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आज हम पढ़ेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उसमें फर्स्ट है डेफिशियसी इन प्रोपरडीन प्रोपरडिन ये ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे में सी थ्री कन्वर्टेज को स्टेबलाइज करता है इसका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोजोम पर लोकेटेड होता है इस जीन में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो ये देखा गया है कि ऐसे पर्सन जिनमें प्रोपोडीन की डेफिशिएंसी होती है वो निजेरिया ग्रुप के बैक्टीरिया के लिए ससेप्टिबल हो जाते हैं इन बैक्टीरिया का इनमें बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है इसके साथ ही ये देखा गया कि ना सिर्फ सी थ्री प्रोपोडीन की डेफिशिएंसी के साथ बल्कि लेट कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट जिसमें सी से लेकर सी तक इंक्लूड है इनके भी अगर डेफिशिएंसी हो जाए इनका भी डिफेक्ट हो जाए तो भी निज़ेरिया बैक्टीरिया के लिए ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है कॉम्प्लीमेंट डेफिशियंसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेफिशंसी इन एम बी एल मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन एम बी एल लेटिन पाथवे का फर्स्ट कॉम्पोनेंट होता है एम बी एल को एनकोड करने वाले जीन्स में कोई डिफेक्ट हो जाए या म्यूटेशन हो जाए तो एम बी एल की मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन की डिफिशेंसी हो जाती है ये जो प्रोटीन होता है यह पैथोजन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट को अटैक करने के लिए इनिशिएट करता है एक्टिवेट करता है लेकिन अगर एमबीएल की डेफिशिएंसी हो जाए तो यह देखा गया है है कि ऐसे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज है, फंगस है, उनके लिए ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं इन पर्सन में बार बार अलग अलग बैक्टेरियाज का फंगस का इन्फेक्शन होता है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट हैं डिफिशियंसी इन प्रॉपर्डीन एंड डेफिशियं इन एमबीएल स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने कंबाइंड इम्यूनो इम्यनोडेफिशेंसी डिजीज़ एंड नॉन स्पेसिफिक में फैग्रोसाइटोसिस एंड कॉम्प्लीमेंट डेफिशियंसी के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन्स को पढ़ा है ये सभी डिजीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नेट सेक्शन बी में इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स